ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 को उनकर लग रहा था 28 जून 2019 के शासनादेश के अंतर्गत उसको स्वीकार करने का काम किया है। ऐसे प्रदेश के सभी महाविद्यालय शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नत करने की व्यवस्था निदेशालय स्तर से की जाए। निदेशक महोदय, मैं आपको इस प्रकरण पर बता देना चाहता हूं। एक दिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ हमारी बैठक हो रही थी, उन्होंने एक दिन आपको फोन भी किया था कि इसकी इस प्रकरण पर निदेशालय अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करे। मैं समझता हूं इस धरने के माध्यम से इस प्रकरण पर आपके द्वारा प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। दूसरा अन्य आगे का बिंदु है कि एकल स्थानांतरण के प्रकरण को ये बहुत लंबे समय से डिप्टी सीएम साहब ने अनेक बार कहा भी है कि इसमें जो वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है उसमें संशोधन करते हुए जो माध्यमिक शिक्षकों की भांति जो एनओसी की प्रकरण की व्यवस्था समाप्त की जाए और जो समय सीमा है 5 वर्ष से घटाकर उसको जो माध्यमिक में है उसको किया जाए। आगरा में एक सम्मेलन था निदेशक महोदया, उसमें माननीय डिप्टी सीएम साहब ने इसको स्वीकार भी किया था कि हम इसको उन्हें इसको परिवर्तित में बदलाव करने की हमारी तैयारी है और लगभग मैं समझता हूं आपकी तरफ से कोई इस पर जो सकारात्मक प्रक्रिया चली जाएगी तो मैं समझता हूं वो आदेश निर्गत हो जाएगा। अगला बिंदु है कि विनियमितीकरण से वंचित उत्तर प्रदेश के मात्र हमारे 15 शिक्षक ऐसे रह गए हैं कि जिनका कि अभी तक माह में उसका विनियमितीकरण नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर ये भी हमारी ऐसी मांग है, प्रदेश के तमाम मानदेय शिक्षकों का उत्तर प्रदेश की सरकार ने विनियमित आमिलित करने का काम किया है, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे रह गए हैं उन्हें भी आमिलित करने की व्यवस्था की जाए। अन्य बिंदु है कि अनुदान महाविद्यालयों में स्वित पोषित पाठ्यक्रमों में के अंतर्गत अनुमोदित शिक्षकों को उन्हें भी विनियमित किया जाए। अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकों को एचआरए तो हो गया लेकिन सीसीए की अभी शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है, वो भी अविलंब इसको भी सरकार प्रदान करे। उत्तर प्रदेश शासन ने परिवार नियोजन प्रोत्साहन जैसे अनेक हफ्ते समाप्त करने का काम किया है। हम यह धरने के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश सरकार के से आह्वान मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इन भत्तों की कटौती सरकार बंद कर दे। आज तो यह प्रतीकात्मक धरना है, वरना लखनऊ की सड़कों पर भर दी जाएंगी, ऐसा हम धरने के माध्यम से आपका अवगत करना चाहते हैं। शिक्षक डायरेक्टर महोदया, एक हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के जो लाइब्रेरियंस उनके प्रकरण वेतन निर्धारण की प्रक्रिया कुछ शिक्षक ऐसे रह गए हैं उनकी अभी लंबित है आपके कार्यालय के स्तर पर, अब उसे भी जो भी रह गए हों 2, 4, 10 जो भी रह गए हों उन सबका वेतन निर्धारण कर दिया जाए। एक यूजीसी रेगुलेशन में स्पष्ट व्यवस्था है कि जो शिक्षक हैं उन्हें जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें जो है पीएचडी के 5 और एमफिल के 3 वेतन अतिरिक्त इंक्रीमेंट प्रदान किए जाए। प्रदेश के जिन मंडलों में जिन विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं तमाम समस्याएं उन संबंधित विश्वविद्यालय उन मंडलों में आ रही है। हम आपसे मांग करते हैं कि ऐसे जितने भी विश्वविद्यालय हैं जितने मंडल हैं उनमें अविलंब क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। सरकार इस समय जो पीपीपी मॉडल की शुरुआत करने जा रही है हम इसका विरोध करते हैं और इसकी पुरजोर विरोध करते हैं। इस पीपीपी मॉडल को बंद किया जाए और साथियों डायरेक्टर महोदया इससे बड़ी विडंबना
विज्ञापन संख्या 42। तमाम शिक्षक साथी नियुक्त हुए, बहुत से लोगों ने कारोबार ग्रहण कर लिया। उन शिक्षक साथियों का क्या दोष है कि हम अपने ही द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि विज्ञापन संख्या 42 में जो शिक्षक अभी कारोबार ग्रहण करने से वंचित रह गए हैं, उनको आप अपने अधिकारों के से जो भी प्रमाण पत्र नहीं करा रहा है उसको जो है कारोबार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएं। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। साथ में वेतन आयोग में वेतन वृद्धि की तिथि 10 जनवरी और 1 जुलाई के विकल्प दिए गए हैं, परंतु निदेशालय द्वारा अधिकतर शिक्षकों की वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई स्वीकृत की गई है। अतः इसे हम आपसे मांग करते हैं कि 1 जनवरी और 1 जुलाई वेतन वृद्धि